गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे और आज हम इंग्लिश में मंथ इन अ ईयर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बुक की पेज नंबर 62 पर है। बच्चों यहाँ पे देखो, देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। बच्चों एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, जनवरी। बच्चों मैं जनवरी की स्पेलिंग बोलूंगी तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है, और इसे याद भी करना। ठीक है, JANUARY, जनवरी। ठीक है, जनवरी इज द मंथ ऑफ स्नो, टेम्परेचर ऑफ द सीजन इज लो। ठीक है बच्चों, बच्चों जनवरी का जो महीना होता है ना, उस वो बर्फ का महीना होता है, ठंड का महीना होता है, उसमें तापमान लो होता है, यानी कि थोड़ा कम होता है। आपको पता है ना, जनवरी में ठंड पड़ती है ना। अब यहाँ पे देखो, फरवरी, FEBRUARY, फरवरी, ब्रिंग लव, पीपल फील स्काई अबव। ठीक है बच्चों, फरवरी प्यार लाता है, लोग आसमान से ऊपर महसूस करते हैं। बच्चों फरवरी के महीने में थोड़ी थोड़ी धूप निकलती है, ठीक है, और इसमें हम बहुत अच्छा फील करते हैं। अब यहाँ पे देखो, मार्च इज द मंथ ऑफ कलर्स। ठीक है, मार्च कलर्स का महीना होता है, क्योंकि बच्चों मार्च में होली आती है। एवरीवेयर डांसिंग डिफोल्डिज एंड फ्लावर्स, सब लोग बच्चों डांस करते हैं। डिफोल्डिस मीन्स होता है बच्चों नरगिस के फ्लावर्स। ठीक है, तो मार्च में नरगिस के फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अप्रैल, APRIL, अप्रैल, मेक एवरी थिंग स्वीट, स्कैटर नेचर एट आउट फील। ठीक है बच्चों, जो अप्रैल का महीना होता है ना, अप्रैल सब कुछ मीठा बनाता है, प्रकृति का नेचर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अप्रैल में बच्चों थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है, प्रकृति बहुत अच्छे वे में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, मई, MAY, मई, लवली इज द मंथ ऑफ मई, एवरी वन फील हैप्पी एंड गाय। बच्चों मई का महीना बहुत सुंदर होता है, और मई के महीने में सब कुछ अच्छा फील कर सब लोग अच्छा फील करते हैं। ठीक है, हल्की हल्की गर्मी आना स्टार्ट हो जाती है मई के महीने में। अब बच्चों जून, JUNE, जून, ब्रिंग लाइज एंड रोजेस, सॉरी लाइज नहीं, लिलीज, सॉरी बच्चों, ब्रिंग लिलीज एंड रोजेस, द हैंड ऑफ चिल्ड्रन फिल विथ पोजेस। ठीक है बच्चों, जो जून का महीना होता है बच्चों, जून के महीने में गुलाब और लिली के फूल खिलते हैं, बच्चों के हाथ में इन फूलों बच्चों के हाथ इन फूलों से भरे होते हैं। ठीक है बच्चों, जो जून का महीना होता है उसमें बच्चों लिली और रोज़ के फूल खिलते हैं, और बच्चों को बहुत प्यारे लगते हैं ना लिली और रोज़ के फूल। अब बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 63 पे। यहाँ पे देखो, जुलाई, JULY, जुलाई, कूल शावर ऑफ हॉट जुलाई मेक पीपल फील एनर्जी एंड फ्लाई। बच्चों जुलाई में ज़्यादा गर्मी होती है, और जुलाई के महीने में बौछार पड़ती है, बौछार मतलब हल्की हल्की बूंदें पड़ती हैं जुलाई के महीने में। ठीक है, अब बच्चों अगस्त, AUGUST, अगस्त इज द मंथ ऑफ हार्वेस्ट, व्हेन द सिविल्स, अगस्त इज द मंथ ऑफ हार्वेस्ट, व्हेन द शेप्स ऑफ कॉर्न आर बेस्ट। बच्चों अगस्त के महीने में मकई की फसल होती है, मकई मीन्स बच्चों मक्के के दाने। ठीक है, मक्का होता है ना, जिसे आप भुट्टा बोलते हो। अब बच्चों सितंबर, ठीक है, सितंबर की स्पेलिंग देखो, SETEMBER, सितंबर इज वॉर्म एंड फ्रूटी, मेक मैन प्लेफुल एंड स्पोर्टी। बच्चों सितंबर का महीना गर्म होता है, इसलिए सब अपने घरों से बाहर जाकर खेलना पसंद करते हैं। सितंबर का महीना थोड़ा गर्म होता है ना, गर्मी होती है। बच्चों यहाँ पे देखो, अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर गिव द फ्रेश फीलिंग, पीपल फील लवली एंड हीलिंग। ठीक है बच्चों, अक्टूबर ताज़ा महसूस कराता है, अक्टूबर का जो महीना होता है ताज़ा महसूस कराता है, क्योंकि बच्चों ना तो उस महीने में गर्मी होती है ना उसमें सर्दियाँ होती हैं, बीच का मौसम होता है, और बहुत प्यारा मौसम होता है। अक्टूबर ताज़ा महसूस कराता है, और लोगों को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग फील कराता है। ठीक है बच्चों, लोग इसमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। अब बच्चों नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। ठीक है,
is dull and blast. नवंबर इज डल एंड ब्लास्ट इज प्रोसीज्ड द ईयर ऑफ लास्ट. बच्चों नवंबर नवंबर का जो महीना होता है ना वो सुस्त और विस्फोट होता है, यह वर्ष की अंतिम रूप में आगे बढ़ाता है. बच्चों जो नवंबर का महीना होता है वो 11th का मंथ होता है और हमें लगता है कि हाँ अब ये मंथ जाने वाला है, ये ईयर जाने वाला है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों दिसंबर क्रिसमस ट्रीट एंड कार्लोस इन दिसंबर इट लीव्स विद मेमोरीज ऑफ रिमेंबर. बच्चों दिसंबर के महीने में क्रिसमस आता है और ये मंथ लोगों को हमेशा याद रहता है. ठीक है, क्योंकि ये ईयर का लास्ट मंथ होता है. ठीक है बच्चों, अब कितने मंथ हो गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. बच्चों 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं. ठीक है, पहला होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है बच्चों, बच्चों आपको ये 12 महीने यानी 12 मंथ अपनी कॉपी में करने हैं, जनवरी फरवरी ये सब. ठीक है, और सुंदर सुंदर लिखना है और ये आपको याद भी करने हैं. ठीक है बच्चों, आप पूरा पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, ये पूरा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल इनकी स्पेलिंग्स लिखनी है लाइन वाइज. ठीक है बच्चों, ये पूरे सेंटेंस आप लोग नहीं लिखना. ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है और इनको इतना लिख के अपनी कॉपी में और फिर इन्हें याद भी करना आप लोग. ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों.